नमस्कार दोस्तों, ग्रीन नेचर चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा ग्रीन मनी प्लांट और ये एंजॉय पैथोस और ये मेरा मंजुला पैथोस का प्लांट है। और आज हम बात करेंगे इन प्लांट्स के जो लीव्स में ये जो ब्राउन स्पॉट्स अपीयर होते हैं उसके बारे में कि इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों, बने रहिए एंड तक। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न है वो है ओवर वाटरिंग। यदि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है और जिसके कारण आपकी सॉइल सॉगी और काफ़ी वेट है तो वो आपके प्लांट्स के रूट को रॉट्स करना चालू कर देगा। प्रॉपर तरीके से आपके प्लांट्स के रूट्स में ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देगा, जिसके कारण आपका प्लांट्स जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को इंटैक्ट करना बंद कर देगा और उसके सिम्टम्स आपको इस तरह से स्पॉट्स के रूप में आपको दिखाई देने लगेंगे। और यदि आपने प्लांट को ज़्यादा बरसात में, रेनी सीजन में बाहर रखा हुआ है और लगातार उसमें बरसात का पानी पड़ रहा है या आप उसमें डेली शावरिंग करते हैं तो आपके प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो भी रॉट्स हो सकती हैं, उसमें फंगल इन्फेक्शन का अटैक हो सकता है। और आप ये देखिए, मेरी ये इतनी सारी लीव्स मैंने जो रिमूव करी हैं इसमें फंगल का अटैक भी है। ये देखिए, इसकी लीव्स गलनी चालू हो गई हैं, ये मैंने रिमूव कर दी हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें ब्राउन स्पॉट्स हैं और ये काफ़ी लीव्स जो हैं मेरी फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये गल चुकी हैं। तो यदि आपके भी प्लांट में इस तरह की कोई लीव्स हैं उसको तुरंत रिमूव कर दीजिए, जिससे कि दूसरे आप प्लांट और दूसरे लीव्स इन्फेक्ट ना हों। और सेकेंडली, इसको हमने डायरेक्ट सनलाइट से भी बचाना है। यदि आपने इसको प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया तो भी आपके प्लांट्स की लीव्स इस तरह से ब्राउन हो सकती हैं, उसमें भी ब्राउन स्पॉट्स आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर में या आउटडोर किसी सीडी एरिया में ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो लेकिन वहाँ पे ब्राइट लाइट रहती हो, क्योंकि डार्क लाइट में ये प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से। और इसी तरह से जैसे कुछ प्लांट एयर में मॉइस्चर को पसंद करते हैं और ह्यूमिडिटी को पसंद करते हैं, तो ये भी इसी तरह मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को पसंद करता है। तो ह्यूमिडिटी और एयर में मॉइस्चर नहीं होता, बिल्कुल शुष्क मौसम होता है, तो उस समय भी इसके लीव्स में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उस समय आप इसमें मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमें सारे प्लांटों को एक साथ रखना चाहिए और वाटरिंग करनी चाहिए और उसको ऐसे प्लेस में रखें जहाँ पे कि उनको उसकी फेवरेबल जो एटमॉस्फेयर मिल सके, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।